प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में अतीक अहमद और अशरफ को दफनाया जाएगा, खोदी जा रही है कब्र। नासिक से पकड़ा गया बमबाज गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड मामले में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। मामले गिरावट के साथ देश में आए कोविड 19 के नए केस 10,093 नए मामले, सक्रिय केस 57,000 के पार। बारिश से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की चुनौती, रिएक्टिव डामर तकनीक का उपयोग करेगी बीएमसी। कुर्ला रेलवे स्टेशन को मिलेगा नया रूप, कुर्ला रेलवे स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत विकसित किया जाएगा। नवी मुंबई में ट्रैफिक सिपाही को कार चालक ने बोनट पर 20 किलोमीटर तक घसीटा, हत्या का किया प्रयास, चालक हुआ गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल 11 बजे पेश हुए सीबीआई के सामने, एजेंसी के मुख्यालय के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। अमित शाह ने अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किया सम्मानित, मौके पर सीएम शिंदे रहे मौजूद। उद्धव की चेतावनी के बावजूद कांग्रेस नेताओं का सावरकर पर हमला जारी, शिवानी वडेंटीवार ने दिया विवादित बयान। बस हादसे में मृतकों के परिजनों को 5,00,000 के मुआवजे का ऐलान, वही घायलों के इलाज का खर्च उठाएगी सरकार। अतीक अशरफ हत्याकांड में कानून व्यवस्था को लेकर प्रियंका गांधी ने दिया विवादित बयान, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लाइन में आओ तभी पेट्रोल मिलेगा, इससे गुस्सा युवक ने पेट्रोल पंप पर लगे नोजल को खींच लिया, जमकर की मारपीट, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। टोल टैक्स के नियम बदले, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान, अब नहीं कटेगा पैसा। मुंबई कोलकाता के बीच खेला जाएगा मैच, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मैच, दोपहर 3:30 बजे से होगा शुरू। जांच एजेंसियों के दबाव से शिवसेना के बाद अब एनसीबी में फूट डालने की कोशिश, संजय राउत ने भाजपा पर किया आरोप। डोंबिवली के रामनगर में मोबाइल दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने की लाखों रुपए की मोबाइल चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद। डीए नगर पुलिस थाने की हद में एक ट्रैफिक वार्डन के साथ मारपीट का सीसीटीवी सामने आया, मरम्मत कार्य के चलते कार चालक को रोकने पर हुई मारपीट। माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी, मात्र 6 घंटे में दिल्ली से कटरा का सफर होगा पूरा। मुंबई में आज सोने चांदी के दामों में आई गिरावट, सोना 61,040 रुपए तोला, वही चांदी 78,500 रुपए किलो। पुणे में आवारा कुत्ते ने 2 घंटे में 12 लोगों को काटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना।